रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहारों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दिखाई गंभीरता। त्योहारों को लेकर मातहतों को अलर्ट करने के साथ ही सभी थानेदारों को पैदल गश्त करने का दिया निर्देश। कहा सीसीटीवी के जरिए अराजक तत्वों पर रखी जाएगी पैनी नजर। त्योहार में खलल डालने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। जनपद में राखी पर्व को देखते हुए मार्केट में मोटू पतलू, डोरेमोन, भगवान हनुमान, भगवान श्री कृष्ण वाली राखी की जमकर हो रही है बिक्री। बच्चों को कार्टून वाली राखी आ रही है खूब पसंद। सीआरसी के दिव्यांग बच्चों के द्वारा बनाया हस्त निर्मित राखी, लगाया गया राखी की प्रदर्शनी, लोगों को आ रही खूब पसंद, कर रहे हैं लोग खरीदारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के नुकसान पर दी जाती है आर्थिक सहायता। सभी किसानों को करवाना चाहिए बीमा। जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी। ब्लड डोनेशन को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सराहनीय पहल की। कहा इमरजेंसी में जरूरतमंद पुलिस को जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर करे कॉल, निःशुल्क पूरी होगी ब्लड की जरूरत। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रोडवेज परिवहन निगम के द्वारा चलाई जा रही है 200 बसें। महिला यात्रियों के लिए 30 अगस्त व 31 अगस्त की 12 बजे रात तक सभी जगह के लिए यात्रा रहेगी फ्री। 28 अगस्त से 4 सितंबर तक 300 किलोमीटर तक बस चलाने वाले चालक और परिचालक को परिवहन विभाग के द्वारा दिया जाएगा 1200 रुपए प्रोत्साहन राशि। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी महेश चंद्र ने दी जानकारी। साइबर अपराध का शिकार होने से बचने के लिए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह के नेतृत्व में लगातार चलाया जा रहा अभियान। साइबर अपराध से बचाव के लिए साइबर क्राइम की टीम द्वारा स्कूल और कॉलेज में पहुंचकर बच्चों को साइबर अपराध के प्रति किया जा रहा है जागरूक। में परिवार परामर्श केंद्र अहम जरिया हो रहा साबित। अब तक कुल 801 पारिवारिक मामलों का केंद्र पर कराया जा चुका है रजिस्ट्रेशन, इसमें 287 मामलों का किया गया सफल निस्तारण। राजघाट थाना क्षेत्र के पांडेहाता में कपड़े की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। घटना स्थल पर पहुंचे दमकल के 4 वाहन। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज, मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहारों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गंभीरता दिखाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने त्योहारों को लेकर मातहतों को अलर्ट करने के साथ ही सभी थानेदारों को पैदल गश्त करने का निर्देश दिया है। वहीं बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए सार्वजनिक स्थल और भीड़ भाड़ वाली बाजारों में विशेष रूप से ड्यूटी लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद वासियों से त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी के जरिए असामाजिक तत्वों के ऊपर नजर रखी जाएगी और त्योहारों में खलल डालने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए आगामी त्योहार रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के दृष्टिगत कल रात में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस की प्रेजेंस, पुलिस की पेट्रोलिंग और पुलिस की विजिबिलिटी आने वाले दिनों में जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, मार्केट के एरियाज हैं या जहां पर पब्लिक का आवागमन ज़्यादा होता है वहां पर अपनी ये प्रेजेंस बनाए रखें। विशेष रूप से जहां महिलाओं का आवागमन मार्केट में हो रहा है वहां पर महिला सिपाही और महिला सब इंस्पेक्टर्स के साथ पिकेट और पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त करने और ये इंश्योर करने कि वहाँ एक सुरक्षित माहौल हो। इसके अतिरिक्त जो ट्रैफिक की हमारी व्यवस्था है, जो रोडवेज और एआरटीओ आपके साथ समन्वय बना करके ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, किसी भी प्रकार का कोई जाम ना लगे। तीसरा, जो हमारे आईटीएमएस के कैमराज हैं और त्रिनेत्र के जो कैमराज हैं
वहां भी टीमों को एक्टिवेट किया गया है ताकि सब जगह नजर बनी रहे। कोई भी अपराधी या कोई भी अराजक तत्व इस तरह की कोई घटना करने का प्रयास करता है तत्काल उसके ऊपर बहुत कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश लगातार दिए जाए। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। ब्लड डोनेशन को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सराहनीय पहल की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोरखपुर पुलिस द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। इमरजेंसी के दौरान जरूरतमंद को जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना होगा। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद को तत्काल ब्लड या ब्लड देने वाले डोनर की व्यवस्था कराकर उन्हें ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोरखपुर पुलिस द्वारा यह व्यवस्था निशुल्क कराई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा विगत दिनों में कई ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप्स स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यहाँ पर लगाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी जनमानस को ये सूचित करना चाहता हूँ कि यदि कभी भी किसी भी मरीज को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है और वो किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और किन्हीं कारणों से अगर उसको ब्लड की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है तो पुलिस लाइन में हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि आप कॉल करके मदद मांगेंगे तो कोई ना कोई डोनर यहाँ से जाकर वहां पर ब्लड की आपूर्ति कर देगा। ये बिल्कुल निशुल्क है। यहाँ पर एक प्रकोष्ठ भी चलता है जिसका नंबर मीडिया के माध्यम से पहले भी जारी किया गया है, अभी भी जारी किया जा रहा है। तो कभी भी आपको ब्लड की आवश्यकता हो तो पुलिसकर्मी आपकी सहयोग करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर है। आप गोरखपुर पुलिस से संपर्क करें, आपको डोनर की व्यवस्था करवाई जाए। पारिवारिक मामले को सुलझाने में परिवार परामर्श केंद्र अहम जरिया साबित हो रहा है। अप्रैल 2022 में महिला थाने में परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना हुई थी। अब तक कुल 801 पारिवारिक मामलों का केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि परिवार परामर्श केंद्र के जरिए पति पत्नी के विवाद को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 801 पारिवारिक मामले आए हैं, जिसमें 287 मामलों का सफल निस्तारण किया गया है। पति पत्नी के विवादों को निस्तारित करने का प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने कहा, अप्रैल 2022 में गोरखपुर जो महिला थाना है वहां पर परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना की गई थी। उद्देश्य यही है कि जो आपस में पति पत्नी के झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, किसी भी वजह से हो, वो उनकी वजह से परिवार न टूटे, ताकि जो बच्चे क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो परिवारों को जोड़ने के लिए जिनमें थोड़ी बहुत कहासुनी है या विवाद है उनको जोड़ने के उद्देश्य से ये परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना की गई थी। और अप्रैल 2022 से लेकर अब तक कुल 801 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 287 मामलों में सुलह हुई है। 374 प्रकरण ऐसे थे जिसमें ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें भी जो है सुलह का प्रयास किया गया है हमारे परिवार परामर्श केंद्र के द्वारा। और लगातार हमारा ये प्रयास है कि किसी का परिवार टूटे नहीं, और अगर हमारे समझाने से परिवार जुड़ जाते हैं तो ये अच्छी पहल है और हम लोगों का लगातार प्रयास इस दिशा में जारी रहे। साइबर अपराध का शिकार होने से बचने के लिए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साइबर अपराध से बचाव के लिए साइबर क्राइम की टीम द्वारा स्कूल और कॉलेज में पहुंचकर बच्चों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि बच्चे यह जान लें कि सोशल मीडिया पर अगर वह गलती कर रहे हैं तो वह छुप नहीं सकती है। कुछ ही दिनों में उनका नाम उजागर हो जाता है। कभी कभी बच्चे कम जानकारी होने की वजह से भी हैकर की बातों में आकर अपराध कर बैठते हैं। बच्चों को जागरूक होना होगा, कोई भी लालच वाली वेबसाइट से बचना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, देखिए हाल के दिनों में जैसा हम सभी जानते हैं कि जो साइबर अपराध के मामले हैं वो बढ़े हैं। कारण यही है कि जो साइबर अपराध होता है उसमें किसी का फेस नहीं दिखता है, कहीं कोई रिमोटली बैठकर किसी को फ्रॉड कर रहा है या परेशान कर रहा है, उसको ट्रेस करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए लोगों को आजकल जो रुझान है क्रिमिनल्स का वो साइबर अपराध की तरफ ज्यादा है और घटनाएं भी साइबर अपराध की ज्यादा बढ़ रही है। इसमें एकमात्र उपाय यही है कि लोग अवेयर हों और कम से कम शिकार बने ऐसे फ्रॉडलेंट लोगों के। इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको टारगेट किया है, क्योंकि अगर बच्चा अवेयर होगा तो अपने घर में जाके वो और लोगों को भी अवेयर कर सकता है। इसलिए हम लोगों स्कूली बच्चों को टारगेट किया है, स्कूल और कॉलेज के बच्चों के जो पढ़ने वाले हैं, और उनके माध्यम से हम एक ऐसा समाज तैयार करने की प्रयास कर रहे हैं जो साइबर अवेयर हो और कम से कम ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज का शिकार हो। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। राजघाट थाना क्षेत्र के पांडेहाता में कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल के 4 वाहन घटना स्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना बताई जा रही है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने भी घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए फायर सर्विस से शांतनु यादव ने कहा, हम लोगों को जैसे ही आग की सूचना मिली हम लोग तत्काल फायर स्टेशन गोलघर से पहले 2 गाड़ियां लेकर के आए। रास्ते में बहुत जाम था, साइन बजाते हुए हम लोग ट्रैफिक पुलिस की मदद मांगते हुए लोगों ने रास्ता क्लियर किया और रास्ता क्लियर करके हम लोग यहां पर घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे पहुंचे तो एक गाड़ी से हम लोग होज पाइप फैला करके और आग को बुझाना शुरू किए, तो उसमें धुआँ बहुत ज़्यादा था, तो धुएँ के लिए हमारी टीम ऊपर जा करके और दरवाज़ा खोल करके वेंटिलेशन किए और आग बुझाने का प्रयास करते रहे। फिर इसके बाद एक दरवाज़ा कहीं से बताए जो यहाँ के मालिक थे कि यहाँ से टूट सकता है, तो उस दरवाजे को बहुत आसानी से खोला गया और फिर हमारी टीम अंदर गई, अंदर जा कर के आग को बुझाई। आग को बुझाने के बाद यह मालूम हुआ इनका एक टामी नामक डाग जो है अंदर फंसा हुआ है, तो जो लड़का उनका उसका बहुत प्रिय था उसको ले करके हमारी टीम अंदर गई और उस डाग को भी बाहर ले करके आई। तो हमारी कुल लगभग 4 गाड़ियाँ लगी और बहुत आसानी से आग को बुझा दिया गया। केवल जो है आग बुझाने में दिक्कत यह हुई कि घटनास्थल पे हमारी गाड़ी डायरेक्ट नहीं पहुंच पाई, तो इसलिए हम लोगों को होज पाइप जो है 3 होज पाइप ले जा करके वहां फैला करके आग को बुझाना पड़ा। सर कितने घंटे लगे आग बुझाने में? हम लोगों का लगभग मान के चलिए 1 घंटा लगा, तो ये आग तो बहुत बड़ी नहीं थी। क्या कुछ अनुमान है क्या अभी आगे में क्या कुछ घटना हुई है या कितने के साथ? इनकी चूँकि साड़ी की दुकान थी, उसमें साड़ी की दुकान थी, साड़ी की कढ़ाई का भी काम करते थे, यह इनके घर से बाहर था, जो शटर लगाकर एक छोटी सी दुकान बनाए थे उसी में था, और जो हम लोगों ने देखा कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। तो चूंकि आग जब लगी तो उसमें जो डाग था उसी ने जो है डिटेक्ट किया और वही चिल्लाया, वो भौंकने लगा, तो लोगों ने जान लिया कि आग लगी हुई है। नहीं, रात में बड़ी नहीं हो सकती, चूंकि हम लोगों का अप्रोच जल्दी हो जाता, क्योंकि रोड पर इतनी ट्रैफिक है, ट्रैफिक जो बेतिया हाथा जान रहे हैं बड़ा कंजेस्टेड एरिया है,
तो ट्रैफिक के माने भीड़ के नाते थोड़ा सा लेट हो सकता था। बंद होता है यहाँ का मार्केट, हम लोगों ने तो पैदल चलना भी मुश्किल होता। हाँ एकदम एकदम, आज मार्केट बंद थी, इस वजह से हम लोगों का अप्रोच जल्दी हो पाया। कितने कमरे में आग लगी थी? कमरे में केवल एक छोटा सा था, जो दुकान थी उसी में आग थी। धुआं ज़्यादा था, धुआं पूरे मकान में फैल गया और धुआं बहुत दूर से जो है दिखाई पड़ रहा था, इसलिए लोगों को लग रहा था कि आग बहुत बड़ी है, जबकि आग इतनी बड़ी नहीं थी। परिवहन विभाग के द्वारा रोडवेज से रक्षाबंधन पर्व पर 200 बसें चलाई जा रही हैं, जिसके संबंध में परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी महेश चंद्र ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व स्थानीय होता है। इसमें गोरखपुर रोडवेज से ठूठीबारी, सोनौली, तमकुहीराज, पडरौना, देवरिया, अयोध्या वाले मार्ग पर यात्रियों की अधिकता रहती है, जिसमें सभी महिला बहनें व महिला यात्री अधिक यात्रा करती हैं। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जाना चाहेंगी अभी यहां से जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस समय हमारे पास 220 बस हैं। यदि यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है तो बसों के फेरे को बढ़ा दिया जाता है, जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी महेश चंद्र ने कहा, देखिए रक्षाबंधन का पर्व ज्यादातर स्थानीय होता है। इसमें गोरखपुर से ठूठीबारी, सुनौली, तमकुही, पडरौना, देवरिया, बड़लगंज, अयोध्या, इस पे यात्रियों की अधिकता रहती है। महिला बहनें, महिला यात्री अधिक यात्रा करती हैं। इसके अलावा जो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली भी जाना चाहेगा उक्त अवधि में निशुल्क यात्रा कर सकता है। सर कितनी बसें चलाई जा रही हैं? बसें तो हमारे पास 220 है। इस बसों को जैसे यात्री रहते हैं, जैसे हम लोग बस के फेरे बढ़ाते हैं, बस नहीं बढ़ाते हैं, जैसे दिल्ली पे या जहाँ पे इनकम कम रहती है उन बसों को जो लोकल मार्ग है उसके अतिरिक्त फेरे बढ़ाए जाते हैं। इस बार की जो योजना है प्रत्येक मार्ग पर 10 अतिरिक्त फेरे की व्यवस्था की गई है। फेरे बढ़ा दी जाएगी, जहाँ यात्री कम है वहाँ से बसों को निकाल के जिस मार्ग पे अधिक यात्री हैं उसके फेरे बढ़ा दिए जाएंगे। परिवहन विभाग के द्वारा 28 अगस्त से 4 सितंबर तक 300 किलोमीटर तक बस चलाने वाले चालक व परिचालक को 1200 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी महेश चंद्र ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व पर यात्रियों की अधिकता को देखते हुए परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा चालक व परिचालक कार्यशाला कर्मियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी जारी की गई है। इसमें 28 अगस्त से 4 सितंबर तक जो चालक परिचालक प्रतिदिन 300 किलोमीटर की ड्यूटी करेगा उन्हें 4 सितंबर के बाद 1200 रुपए अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। यदि 300 किलोमीटर से अधिक चलते हैं तो 55 पैसा अधिक से भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने कहा, रक्षाबंधन के पर्व पर यात्रियों की अधिकता को देखते हुए परिवहन निगम द्वारा हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा चालक परिचालक कार्यशाला कर्मियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी जारी की गई है। इसमें 29 अगस्त से 4 सितंबर तक जो चालक परिचालक 300 किलोमीटर प्रतिदिन की ड्यूटी करेंगे उन्हें 4 तारीख के बाद 1200 रुपये एक मुफ्त अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। 300 किलोमीटर से अधिक अगर चलते हैं तो उसका 55 पैसा प्रति किलोमीटर अलग से भुगतान किया जाएगा। प्रतिदिन 300 का औसत होना चाहिए, 7 दिन में 2100 किलोमीटर होना चाहिए। 2100 किलोमीटर में इनको 1200 रुपया रक्षाबंधन पर्व के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर स्थानीय स्तर से ही भुगतान होगा। शर्त यह है कि लोड फैक्टर 64% से कम नहीं होना चाहिए। जनपद में राखी पर्व को देखते हुए मार्केट में मोटू पतलू व भगवान हनुमान की राखी की जमकर बिक्री हो रही है। आपको बता दें कि 31 अगस्त को जनपद में राखी का पर्व मनाया जाना है, जिसको देखते हुए राखी बेचने वाले दुकानदारों ने अलग अलग तरह की राखियां अपने दुकानों पर लगा रखी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बिकने वाली राखियों में भगवान हनुमान व मोटू पत्तू की राखी की जमकर बिक्री हो रही है। यह राखी छोटे बच्चों को काफी पसंद आ रही है, क्योंकि मोटू पतलू कार्टून को सभी बच्चे काफी पसंद करते हैं, जिसके वजह से यह राखियां कार्टून के रूप में हैं, जिसके वजह से इन राखियों की बिक्री काफी तेज हो रही है।
वहीं इस संबंध में राखी विक्रेता मुकेश कुमार पटवा ने कहा कि हमने 2300 पीस मोटू व पतलू वाली राखी को मंगवाया था, जो कि अधिकतर राखी बिक गई है। इसमें केवल 400 राखियां बची हुई हैं। अभी दो दिन का समय है, डिमांड के हिसाब से कल तक सभी राखियां बिक जाएंगी, क्योंकि ये राखियां 20 रुपए से 30 रुपए के अंदर ही आ जा रही हैं, जिसकी वजह से इन राखियों की बिक्री ठीक ठाक हो जा रही है और लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राखी विक्रेता सुनील कुमार, सुमित पटवा, नौशाद अहमद। स्टोन स्टोन वगैरह की ज्यादा बिक रही है, स्टोन का हुआ, उसके बाद इस टाइप का ठीक ठाक बिक्री हो रही है। हाँ, बिक्री हो रही है। अभी तक कितना पीस आप लोग बेचते हैं? तो ये होलसेल की दुकान है तो ज्यादा बिक जाती है। हर साल हम लगाते हैं, हर साल होलसेल के साल किस साल की तुलना में बिक्री क्या है? इस साल ये थोड़ा हल्का चला है, ऐसे फुटकर वाले ये बता रहे थे कि बारिश हुआ था, इसकी वजह से हम लोग का माल बचा हुआ, इसलिए इस बार थोड़ा हल्का चला हुआ है मार्केट। राखी इस बार जैसे कि हनुमान जी और ओम स्वास्तिक बना हुआ लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं, और चौड़ी राखियां कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। इस बार पतले शेप में राखी ज़्यादा चल रही है, हाँ पतले शेप में ज़्यादा पसंद आ रही है। इसके अलावा हमारे पास ये डोरी का आइटम है, ये बॉम्बे वाली डोरी है और ये दिल्ली वाली डोरी है, सब पसंद आ रही लोगों को। बिक्री की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है इस बार, और पिछले साल की तुलना में बहुत ही खराब स्थिति है होलसेल में, इसलिए कि पिछली बार रिटेलरों के पास माल बचा हुआ था तो उन लोगों ने माल कम खरीदा इस बार। मेरा नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाइयों को फसलों के नुकसान पर आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसके संबंध में जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कभी सूखा पड़ गया या कभी चक्रवात की वर्षा आ गई और कभी बीमारियों की महामारी आ गई, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को अपनी खेती का लाभ मिल सके। इसके लिए किसानों को फसल बीमा करवाना चाहिए। यदि किसी किसान को व्यक्तिगत लाभ की बात करें तो भूस्खलन, ओलावृष्टि हो जाती है तो उसमें फसल बीमा का लाभ मिल जाता है। इस समय यदि कोई किसान 1200 रुपए का बीमा करवाता है तो उसको 70,000 रुपए की सहायता दी जाती है। यदि फसल आधा नुकसान हुई है तो आधा पैसा मिलेगा, यदि फसल नहीं नुकसान हुई तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, कभी सूखा पड़ गया, कभी चक्रवाती वर्षा आ गया या कभी बीमारियों की महामारी आ गई, ऐसे स्थिति में किसान भाइयों को एक अपने खेती का एश्योर्ड लाभ मिल सके, यानी कुछ इतना हम लोग मिनिमम उनको सुविधाएं दे सके, क्षतिपूर्ति दे सकें कि उनको एक राहत का काम आ सके, इसलिए फसल बीमा 2016 से लाई गई है। और फसल बीमा में मुख्य रूप से व्यक्तिगत अगर दावे की बात करें तो अगर हमारे किसी किसान भाई के खेत में भूस्खलन हो जाता है या ओलावृष्टि हो जाती है, ऐसे स्थिति में हम लोग व्यक्तिगत लाभ, जैसे महामारी ही आ जाती है तो उसमें लाभ मिल जाता है। तो जो बीमा हम लोग कराते हैं, जितने रुपये की बीमा उनकी होती है फसल की, जैसे पर हेक्टेयर हम धान की बात करें तो लगभग 1200 के आसपास होती है, तो 1200 कुछ रुपया, तो 1200 रुपये के आसपास जो बीमा हो गई तो उसका लाभ लगभग 70,000 के करीब होता है, कि अगर पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई तो 70,000 तक का लाभ उनको मिल सकता है। फिर आती है बात कि आधी नुकसान हुआ तो आधी ही जो क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति आधी ही, यानी 30,000-35,000 जो भी बनेगा, 20,000-10,000-5,000 भी जो क्षति होती है उसी रेशियो में उनको क्षतिपूर्ति मिल जाती है। यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्षति नहीं होती है तो उस स्थिति में फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है। लास्ट ईयर फसल बीमा का लाभ मिला था, जिसके लगभग 13 करोड़ रुपए का बीमा धनराशि कृषक बंधुओं को जनपद गोरखपुर में खरीफ की प्राप्त हुई थी। इस साल भी देखें तो खरीफ 2023 जो चल रहा है, धान की फसल हमारी चल रही है, इसमें लगभग 54,000 कृषकों का
बीमा हुआ है। अभी तो फसलें सही चल रही हैं, जैसी स्थिति आगे बनती है उसके हिसाब से बीमा क्लेम बनता है। सीआरसी के दिव्यांग बच्चों के द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर हस्त निर्मित राखी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके संबंध में सीआरसी की ओकेशन इंस्पेक्टर संध्या सिंह ने बताया कि 25 अगस्त से सीआरसी के दिव्यांग बच्चों के द्वारा राखी को देखते हुए एक महीने पहले से राखी बनाई गई है, जिसका स्टॉल लगाया गया है। इससे दिव्यांग बच्चों को रुपए की पहचान करवाई जा रही है, जिससे सभी बच्चे रुपए के बारे में जान पाए। अभी तक 25 लोगों ने बच्चों के द्वारा बनाए गए राखी को खरीदा है, जो कि अच्छा बिक रहा है। यह स्टॉल 30 अगस्त तक चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीआरसी के ओकेशन इंस्पेक्टर संध्या सिंह ने कहा, यहाँ पे राखी का स्टॉल लगाया गया है सर, मैंने 25 तारीख से बच्चों के द्वारा लगवाई है स्टॉल यहाँ पे इसका प्रदर्शनी का, और हमारे बच्चे ने राखी बनाई करीब एक महीने से, कुछ बच्चे बनाकर मेहनत कर रहे थे इसमें बनाए, और यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। इसके माध्यम से हमारे बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, वो रुपये पैसे का पहचान भी करते हैं, उनको ये भी पता है कि जो हमारा ये पर्व आ रहा है राखी का त्यौहार, भाई बहन का जो त्यौहार होता है, इसके माध्यम से हम इनको ये भी बताते हैं कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और कैसे क्यों जाता है। अभी बच्चे खरीदारी कर रहे हैं? यस सर, खरीदारी करने के लिए कल भी हमारे पास बहुत भीड़ थी सर, करीब 25 लोग आए थे और राखियां खरीदे हैं। इनसे बच्चों के द्वारा वो लेते हैं, बच्चों को पैसा देते हैं रुपये पैसा का, जिससे उनको ज्ञान होता है कि वो अगर 20 के नोट दे रहे हैं तो कितना हमें वापस करना है, या 50 का दे रहे हैं तो कैसे करना है, इसके माध्यम से हम बच्चों को सिखा रहे हैं। नाम मेरा नाम संध्या सिंह, ओकेशनल इंस्ट्रक्टर, सीआरसी गोरखपुर।